चेरा जी बार गेनिंग जो है ना फुल ऑन है। फिनिश okay. ये देखे जी ड्रैगन मार्ट। चले चले okay. इमान फातिमा लुक एट मी। हेलो गाइस। से अस्सलाम वालेकुम। चले ये देखे जी ड्रैगन मार्ट। चाइना का सबसे बड़ा मॉल है। इतना बड़ा मॉल है कि इसके अंदर से हम लोग चलते जाएंगे लेकिन ये खत्म नहीं होगा। चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरी बेटी ने ना मेरा मोबाइल का ट्राईपॉड तोड़ दिया है तो वो लेने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। वो आगे लग रही है मुझे शॉप। हाँ वो बड़ी शॉप है। जी ये शॉप है, ये मोबाइल एक्सेसरीज। यहाँ से पता करते हैं ट्राईपॉड। मोबाइल ट्राईपॉड चाहिए। ये ऐसा वाला लॉन्ग स्टैंड वाला जो है ना ट्राईपॉड है, इस तरह से। और भी लॉन्ग कर सकते हैं। ये पूरा ऊपर तक जाएगा। ओह माय गॉड, ये मेरे से भी लंबा जाता है ना। क्या प्राइस है इसकी? 60 दिरहम्स में। थोड़ा कम भी करेंगे ना? मसला नहीं है, कम भी तो करो ना। एक पीस चाहिए 55। थोड़ा और भी कम करो ना। चेरा जी बार गेनिंग जो है ना फुल ऑन है। 50 दिरहम्स में दे दो। ठीक है चले एक दे दो। थैंक यू। ये वाला ट्राईपॉड मैंने बाय किया। ये गिरेगा तो नहीं? मोबाइल लगाएंगे तो। और ये नीचे भी जाएगा? और भी हाँ। ये मैंने लिया है जी ड्रैगन मार्ट से ट्राईपॉड, और ये 50 दिरहम्स में इन्होंने मुझे दिया, 60 बोला था। थैंक यू सो मच। चले मानो, चले मानो। काफ़ी अच्छा और सस्ता मुझे ना ट्राईपॉड मिल गया है, और 50 दिरहम्स में। और मैं सामने वाली शॉप से लेती हूँ ना अपनी बिल्डिंग के सामने, तो वहाँ से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, और ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सस्ती चीज़ें होती हैं। कितनी प्यारी लग रही है ना आर्टिफिशियल। I'm buying these perfumes. You like this, Ruthi? No, no, I don't want this one. And this one, okay? Like good? No. This is for men, na? Yeah. Okay. It's a sweet smell, na? Ha, this maybe oud and fruit mix. Yes. You like it? Okay. Okay. This. I bought these perfumes. And the fifth one is coming, and the sixth one is this one, spider one. No, I don't want. Check. Finish. Okay. Thank bye. You. Baby. Mano. मेरी बेटी को जनाब ये परफ्यूम चाहिए था स्पाइडरमैन वाला। उसको नहीं पता था कि मेरी मामा के कितने पैसे जाने वाले हैं। बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल और काफ़ी महंगा रहता है क्योंकि बच्चों को आइडिया नहीं होता कि आजकल कितनी महंगाई है और हर चीज़ कितनी महंगी हो चुकी है।
कितना खूबसूरत ये ब्लैक वाला ड्रेस लग रहा है, और इसके साथ ना जॉगर्स पहने हो तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे, और इसके साथ टाइट्स पहने हो तो एकदम ज़बरदस्त और बड़ा क्लासी सा लगेगा। चले सारा, विग्स कितनी प्यारी प्यारी हैं, कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं ना ये बड़ों के लिए, लेडीज के लिए। ये देखो ड्रैगन, अंधेरा हो चुका है, इसमें चीजें हैं। चले मानो, ये देखें ये परफ्यूम्स आ गए हैं, ये मेरी बेटी ने लिए, उसने जिद की थी मुझे ये स्पाइडर वाला चाहिए। ओके ओके, ये आपका स्पाइडर वाला। और ये मेरा ट्राइपॉड है, और ये मैंने ना ब्रांड से बाय किए परफ्यूम्स। मैं इसलिए हंस रही हूँ ब्रांड से क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो नाम है ना वो अब्रार है। जिंदगी जो है ना वो चलते रहने का नाम है, एक चीज़ ख़राब होती है तो दूसरी ठीक होती है, दूसरी ठीक करवाते हैं तो तीसरी ख़राब हो जाती है, बस ऐसे ही चल रहा है, कभी कुछ और कभी कुछ। ज़िंदगी में तो मसले और परेशानियां ख़त्म हो ही नहीं सकती कभी भी। वॉशिंग मशीन का जो अंदर से ड्रम था ना वो एकदम से टाइट हो गया था और स्पिन नहीं कर रही थी वॉशिंग मशीन, और उसके बाद इसका ड्रम डलवाया, 300 dirhams उन्होंने चार्ज किए, उन्होंने वॉशिंग मशीन लेके जाके उन्होंने ठीक करके अगले दिन ये वापस लेके आया था। तो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए कि मेरी वॉशिंग मशीन जो है देखें इसके साथ क्या हो गया, इसका जो पीछे वाला पाइप था ना वो भी ख़राब हो चुका था, वो भी नया डलवाया है और उसके बाद इसको फिक्स किया है, तो शुक्र किया और कपड़े वॉश किए, बस ऐसे ही चल रहा है ज़िंदगी में। चलें जी, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाल की बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी। दालें तो हम घर में बनाते ही रहते हैं लेकिन ये ख़ास रेसिपी है और ख़ास तड़के वाली दाल है जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। बिल्कुल सिंपल है, मूंग मसूर की दाल है, उसके अंदर मैंने एक टमाटर, एक प्याज और हरी मिर्चें, टमाटरों के छिलके उतार के इसको मैंने सब चीज़ों को ग्राइंड करके ना और ये दालें जो हैं इसके अंदर डाल दी है, और उसके बाद इसके अंदर से सिंपल स्पाइसेस जो हैं नमक, लाल मिर्च, हल्दी और जो पीसा हुआ गरम सूखा धनिया है वो डाल देना है एक एक टीस्पून, और इसके बाद इसको हम लोग अच्छे से पका लेंगे। जब तक ये गाढ़ी नहीं ना हो जाती, जितना हमें चाहिए थिकनेस उतनी नहीं हो जाती तब तक इसको पकाएं। अब ये तकरीबन 80% हो चुकी है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 tablespoon जो है गर्म मसाला पीसा हुआ, और ये इसके तड़के के लिए चाहिए ज़ीरा और लहसुन के जवे जो है मैंने काट लिए हैं, हरी मिर्चें और उबले हुए अंडे और 2 जो हैं ये लाल मिर्च। इसका हम लोग तड़का लगाएंगे दाल के अंदर, जिसके साथ बहुत ही मज़ा आने वाला है और आउट क्लास आपको दाल मिलेगी मूंग मसूर की अंडे के तड़के के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको चावलों के साथ खाएं और एकदम से मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि वैसे दाल खाना बहुत मुश्किल है, इस तरह की थोड़ी सी हम लोग अगर डिफरेंट कर लिया जाए ना रेसिपी को तो फिर दाल भी शौक से खाई जाती है। इसके साथ ना मैंने राइस बॉईल कर लिए थे, हरी मिर्च का अचार था और थोड़े से ऑलिव्स मैं लेके आई थी, ब्लैक ऑलिव्स, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ कचूमर सलाद, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, इसी के साथ वीडियो को एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।